हे एवरीवन, दिस इज मानवेन एंड वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन होने वाला है पीयू 5 ईयर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम इस कोर्स के बारे में जाने तो इसमें सीट्स कितनी हैं, तो देखिए करीबन 180 प्लस यहाँ पे सीट्स हैं और उसमें फिर रिजर्वेशन एंड ऑल भी हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिलने वाली है कि दो कोर्सेज हैं, पहले BA LLB है, सेकेंड है BCom LLB, और दो कैंपस हैं। एक आपका लुधियाना वाला कैंपस है और एक आपका होशियारपुर वाला कैंपस है और एक आपका मेन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाला कैंपस है, जो कि मेनली लोग तैयारी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाले में ही जाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्या है पीयू 5 ईयर लॉ की एग्ज़ाम की, इसके बाद हम बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है। तो एलिजिबिलिटी का बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि भैया 45% जो है आपके 12th में होने चाहिए फॉर द कैंडिडेट जो SC, ST, BC, PWD से बिलोंग करते हैं। 50% बाकी नॉर्मल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज बोर्ड से आपकी क्लास 12th होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिकग्नाइज ना हो उससे हो। अब ये कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, या फिर उसी की तरह कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो होता हो। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी में कोई बहुत कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप बाहर हो जाओगे। नॉर्मल आपने सब चीज़ें कर रखी हैं तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तैयारी एंड ऑल पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप के ऊपर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, पीयू के लिए 5 ईयर लॉ एंट्रेंस का कोर्स हमने बना के डाल रखा है। कुछ क्लासेस उसमें लाइव होती हैं, कुछ रिकॉर्डेड होती हैं, और आप इन क्लासेस को इनरोल कर सकते हैं। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एग्ज़ाम। ये जो कोर्स है आपको गाइस 7999 का पड़ेगा। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे डेस्कटॉप से विजिट कर सकते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पेपर का पैटर्न क्या है। देखो 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। 90 मिनट्स में आपको पेपर करना होगा। सही जवाब पे आपको एक नंबर मिलेगा, गलत पे आपको 1 बटा 4 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। दूसरा, पेपर में क्या क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले GK एंड करेंट अफेयर, ये PU में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है GK एंड करेंट अफेयर का। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड शब्द यूज़ करा जा सकता है, लीगल के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। मेंटल एबिलिटी मतलब लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे, और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, ठीक है। GK एंड करेंट अफेयर्स जो गाइस आपका सेक्शन रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 20 का आपका लॉ रहेगा और 10 का आपका लॉजिकल एंड इंग्लिश रहेगा। तो हमारा जो कोर्स जो अब मैंने आपको पहले बताया, उसमें ये चारों चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बट अगर जो लोग नहीं लेना चाहते और नॉर्मल जान चाहते हैं तैयारी कैसे करें, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि देखिए GK एंड करंट अफेयर्स के लिए आप जो है स्टैटिक GK जो होता है उसके लिए लूसेंट करके एक बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए हमारे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू एनालिसिस होता है डेली, उसको देखिए, प्लस कोई मैगजीन मंथली पढ़ते रहिएगा। लीगल के लिए पियर्सन की गाइड आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। लॉजिकल के लिए भी काफ़ी सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए रैनन मार्टिन देख सकते हैं। लेकिन इतना भटकने से बेटर है, इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड आप सीरियसली PU का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ योर गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे इस चैनल पे, हमारे ऐप के थ्रू आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज़्यादा डिटेल अगर चाहें तो इसकी ले सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर्ड होती है, यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है। देखिए 50% ना एंट्रेंस टेस्ट और 50% आपका क्लास 12th। जैसे कि मान लो आपने 80 मार्क्स लाया है एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, तो आपका इसमें 40 नंबर माना जाएगा। और मान लो आपके 80% थी क्लास 12th में, तो उसका 40, मतलब 50-50 दोनों का हो गया ना, तो 80 मार्क्स आपके 100 में से हो गए। तो काइंड ऑफ इस तरीके से यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है PU का वो होगा। और सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स है, लीगल एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी है एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। तो अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है, तो उसमें आपके ये सब कुछ कवर हो जाएगा। कोई आपको परेशानी की जरूरत, कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है, आराम से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बाय इनरोलिंग इन दिस कोर्स। इसके लिए ज़्यादा डिटेल के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर से इस सेशन को देख रहे हैं, तो www.clatpoint.com पे जाके आप विजिट करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें कवर क्या क्या रहेगा, तो जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको 7999 में उपलब्ध हो जाएगा।
तो जल्द से जल्द अपने आपको इनरोल करिए, एंड तैयारी बहुत ईजी है इसकी, कोई बहुत कठिन एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ पीयू की तैयारी करते हैं और दे आर वेरी सीरियस अबाउट पीयू का एग्जाम, तो उनके लिए वो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सीरियसनेस थोड़ी सी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्यूचर में हम इसके लिए मॉक टेस्ट भी लॉन्च करेंगे, तो आप उसमें भी अपने आपको इनरोल कर सकते हैं। कोई भी आपके अगर डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो है पीयू से रिलेटेड, क्लैट से रिलेटेड, एलेट से रिलेटेड डालते रहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।